वेलकम टू बैक माय चिल्ड्रंस इन दिस वीडियो गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक इंग्लिश बाल भारती टेक्सट बुक एंड द टॉपिक इज़ अ वॉश डे चिल्ड्रंस टेल मी व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन आप लोग स्क्रीन पे क्या देख सकते हो ये ओशन्स है समुद्र है सो स्टूडेंट द सी इज़ अ वेरी बिग देयर आर मेनी प्लांट एनिमल इन द सी जो हम समुद्र में होता है वो बहुत गहरा होता है वो समुद्र में अलग अलग किस्म के जानवर प्लांट्स रहते हैं बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं कलरफुल रंगी बिरंगी जानवर होते हैं फिशेस होती है और समुद्र में बहुत ज़्यादा प्लांट होते हैं पेड़ पौधे होते हैं और कहीं कहीं जगह पे इतने प्लांट होते हैं कि हमें ऐसा लगेगा कि अंडर वाटर फॉरेस्ट देन स्मॉल स्मॉल सी ज्वाइन टुगेदर इट फार्मस एंड द ओशंस जब छोटे छोटे समुद्र को एक साथ आकर मिलते हैं उसे ओशंस कहते हैं यू कैन सी वेरी बिग सी इज़ अ कोल्ड एंड द ओशंस बहुत बड़े सी को ओशंस कहते हैं ओके okay, सो so, चिल्ड्रंस गोइंग टू लर्न पोयम दैट इज़ अ रिलेटेड टू ओशंस एंड द नेम ऑफ द पोयम ओश डे हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं ये किस से रिलेटेड है ओशन से रिलेटेड है इसका नाम है ओश डे ओके तो सो चिल्ड्रन्स वॉट यू मीन्स बाय द ओश डे ओश डे का मतलब क्या होता है ओश डे इज़ अ डे एंड विच ऑल देन हाउस होल्ड क्लॉथ वेयर ऑश एंड दम डे दैट इज़ अ कॉल एट द वॉश डे वॉश डे मीन्स घर के सारे गंदे कपड़े जितने भी गंदे कपड़े हैं डर्टी हैं वो गंदे हो गए हैं वह सब कुछ धुलना और ऐसे किसी एक दिन स्पेशल स्पेशली वन डे स्पेशली फॉर डे ऐसा होता है कि उसी दिन घर के सारे कपड़े धुले जाते हैं बेडशीट जो भी है सब कुछ धुल जाता है उसको वॉश डे कहा जाता है ओके सो चिल्ड्रंस लेट्स अंडरस्टैंड द पोयम चिल्ड्रंस मी वन थिंग वेन यू गो आउटसाइड यूअर क्लॉथ गेट सॉइल देन बिकम अ डर्टी राइट जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं हैं, कहीं प्ले करते करने के लिए या किसी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं आपके कपड़े गंदे होते होगा टेल मी हा हु मीन्स वॉशिज योर क्लॉथ ऑफ द क्रॉस योर मदर आपकी कोर्स योर मदर्स यू वॉश यूअर्स क्लॉथ आपके कपड़े कौन साफ करता है आपकी मदर्स ही करती होगा कोर्स हर एक की मदर्स ही करती है मोस्टली हुमेन इन द हाउस डू विद द वॉशिंग वर्क दैट इज़ द वे टू पोएट ऑफ देम पोएम कॉल द ओशंस एज द मोस्टली हुमेन जो होते हैं हुमेन्स जो होते हैं वो घर का सारा क्लीनिंग का काम करती है वॉशिंग का काम करती है इसलिए पोएट ने मिस्टर ओशंस मिस ओशंस ऐसा कहा है ओके लेटेस्ट अंडरस्टैंड दिस पोएम वॉश डे मिस ओशंस टेक्स इज वॉशिंग्स एवरी डे देन होल ईयर थ्रू आउट द ईयर ए पोइट कहना जा रहा है मिस ओशंस है समुद्र है वो पूरा साल फुल ईयर जितने दिन होते हैं वो हर दिन अपने कपड़े ऑश करती है जैसे कि मदर साल भर जितने भी दिन हैं उतने ही दिन हर दिन अपना वॉशिंग का क्लीनिंग का काम करती है और वॉशिंग का काम वो रोज़ करती है एवरी डे तो यहाँ पर पोइट कहते हैं मिस ओशंस हर हर दिन कपड़ा वॉश करती है सो चिल्ड्रंस मिस ओशंस है वो हर दिन अपने कपड़े वॉश करती है मगर ए पॉसिबल है क्या समुद्र कपड़े वॉश कर सकता है क्या नो no, समुद्र कभी भी अपने कपड़े वॉश नहीं कर सकता दैट मीन पोएट ने इमेजिन किया है पोएट पोएट इमेजिन किया है एंड शी एंड शी यूजेस सो मच ब्लोइंग दैट इज स्टें तो दोटर इज ब्लू सो यहाँ पर पोइट क्या कहना चाह रहे हैं जो मिस ओशंस है वो हर दिन कपड़े ऑश करती हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लूइंग ब्लोइंग यूज करती हैं जिसकी वजह से वोटर का कलर है वो ब्लू हो गया है ब्लोइंग मीन्स ब्लू सबस्टर्न दैट इज़ यूज इन ऑशिंग टू तो मेक यलोइंग फेब्रिक्स लुक विंटर उसको हम नीली भी नीली भी बोलते हैं या स्टेन मीन्स कलर्स तो अभी यहाँ पे पोएट क्या बोल रहा है मिस्ट ओशन से वो कपड़े वॉश करती है टाइम ब्लोइंग बहुत ज़्यादा करती है नील बहुत ज़्यादा यूज़ करती है इसकी वजह से समुद्र का पानी जो है वो नीला कलर में नज़र आता है बट स्टूडेंट इज़ नॉट ट्रू समुद्र का पानी वाटर्स पा, को कोई कलर्स नहीं होता है कोई स्मेल्स नहीं होती है तो समुद्र का पानी नीला कलर का नहीं हो सकता ये दैट इज़ नॉट ट्रू पानी कैसा होता है ट्रांसपेरेंट होता है उसका कोई कलर नहीं होता तो समुद्र का पानी नीला क्यों नज़र आता है उसके बारे में आप लोग जब बड़ी क्लास में जाओगे ना तो आपको ज़रूर डिटेल्स पता चल जाएगी लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ चिरंस यू ऑल वाटर ट्रांसपेरेंट इसका कोई कलर नहीं होता लेकिन हम जब पानी को देखते हैं तो समुद्र का पानी देखते हैं तो नीला कलर का नज़र आता है ऐसा क्यों होता है नेचुरल लाइट क्या है सनलाइट है जो सूरज की किरणें सूरज की रोशनी से होती है तो समुद्र पर पड़ती है और वो लाइट कैसी होती है वाइट कलर की होती है लेकिन एक्चुअली में वाइट कलर की नहीं होती उसमें कोई रेनबो सेवन कलर्स प्रेजेंट होते हैं सन फॉर द सी ऑफ द ऑब्जर्व द रेड येल्लो आउट ऑफ द सेवन कलर्स जब सूरज की रोशनी समुद्र पर पड़ती है तो उसका जो पानी होता है वो सेवन कलर ऑब्जर्व कर लेता है रेड येल्लो ग्रीन और भी जो है कुछ सेवन कलर्स है वो ऑब्जर्व कर लेता है आई हैव सीन द सोप सर्ट्स स we we बच्चों क्या होता है फॉर्म ऑफ द लेदर फॉर्म इन अटर सोप सर्ट्स मीन्स झाक बोलते हैं ना उसी को सोप सर्प जब हम हैंड वॉश करते हैं ना हमारे जब हैंड वॉश करते हैं फेस वॉश करते हैं, तो उसको बोलते हैं झाग। सो so अभी पोएट यहाँ पर क्या कह रहा है मैंने झाग देखा है समुद्र में जब समुद्र में लहरें ऊँची होती हैं तब मैंने झाग देखा है बट आई नेवर हैड डिस्कवर्ड वेयर शी हैंग्स द क्लॉथ ऑफ ड्राई वेयर शी हैंग्स द क्लॉथ टू ड्राई सो so स्टूडेंट यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है कि मैंने कभी भी डिस्कवर नहीं कर पाया हूँ कि मैं कभी ये सर्च भी नहीं कर पाया कि मिस ओशन जो कपड़े वॉश करती हैं कपड़े कहाँ पर हैंग करती हैं सो स्टूडेंट आप लोगों ने भी देखा होगा कि समुद्र के किनारे पर कोई रस्सी नहीं होती जो कपड़े हैंग कर सके कपड़े सुखाए जा सके लेकिन क्या मिस ओशंस कपड़े वॉश ओश करती होगी करती है नो no. ये पोइट ने सिर्फ इमेजिनेशंस है पोएट मिस ओशंस को अफसो उन्होंने इमेजिन किया है और मिस ओशन को रोज़ कपड़े वॉश करती हैं और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग यूज़ करती हैं जिसकी वजह से समुद्र का पानी ब्लू होता होगा और वह क्या कह रहा है पोइट जो है वो कहा क्या कह रहा है मैंने सोप सर्ट्स को भी देखा है ओके सो आई होप यू आर अंडरस्टूड द पोएम वी विल मीट अगेन विथ माई अनदर वीडियो बाय बाय थैंक यू अगेन वन टाइम रीडिंग दिस वीडियो रीडिंग दिस पोयम मिस ओशंस टेक इन वॉशिंग्स एवरी डे द होल इयर थ्रू एंड शी यूज ए सो मच ब्लोइंग That it stained the water blue. I have seen the soap suds floating. When the waves were rough and high. But I never discovered where she hangs the cloth to dry. Elizabeth F. Upson Poet ka naam jo hai wa Elizabeth F